जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम। सारे भाई वीडियो शेयर कर दियो भाई। पहले तो आज जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे होंगे सारे शेयर करियो। ये जमालपुर कला में एक गाय है जो कि एक गौशाला में रहती थी, और गौशाला वाले ने इसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई भाई, और इसकी 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पर सेवा की जा रही है, और यहाँ पर अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं मिली ऐसी। अगर किसी भाई की जानकारी में कोई गौशाला हो या कोई इसे रखने का स्थान हो तो मेरे से संपर्क करें। मेरा नंबर है 9258-5625-92। जय श्री राम भाई लोगों। भाई अब सारी बात यह कि रोड पर कहाँ कहाँ तक हम गाय का इलाज करेंगे और कहाँ कहाँ तक हम जा पाएंगे। सबसे बड़ी बात एक अभी अभी की मैं बताऊँ, एक ये गाय आपके सामने, इसकी सूचना है, और एक कनखल में है जो अभी एक फोटो वायरल हो रखा है फेसबुक पर भी। एक कनखल की घटना है, और एक अभी एक कृष्णा जगदीशपुर में, कृष्णा नगर में इधर, यहाँ पर एक नंदी महाराज ने कुछ खा लिया है। जय श्री राम। तो वही वही बताओ, कब तक सहेंगे? ना यहाँ का कोई विधायक, ना कोई सरकार का आदमी, ना कोई नगर निगम का आदमी, ना कोई ग्राम प्रधान, भाई कोई भी नहीं आ रहा। मतलब कि यह इंसान मर्गी मंदिरों में बैठे बैठे कर रहे जय गो माता। जब राजनीति का एक मुद्दा आ जाए, राजनीति के कोई इलेक्शन आ जाए, सारे के सारे एक तिरंगा लेकर फिरते हैं भाई। सारे भाई वीडियो शेयर करते रहिए, जितने भाई मेरे जुड़ रहे हैं ना आज, सारे भाई वीडियो शेयर कर, इन गौ माताओं के लिए बोल रहा हूँ सारा। इन्हें एक हरिद्वार के अंदर एक स्थान मिलना चाहिए ताकि रोड पर ना भटक के। देखो भाई कितना बुरा हाल है इस गाय माता का। देखो ये आपके सामने है, 4 दिन से यहाँ इसकी सेवा पानी की जा रही है, और अभी तक मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ पर गौशाला में से छुड़वा दूँ या सरकारी डॉक्टर यहाँ आके इसका इलाज करवा दे। फोन हम करते रहते हैं, 4 से 5 घंटे सरकारी डॉक्टर आने में यहाँ लेते हैं। तो ये सरकारी डॉक्टर किस नाम के लिए बनाए? अगर ये रोड पर लाचार गाय का इलाज नहीं करने के तो क्या करेंगे? सरकार इन्हें सैलरी दे रही है 20-20 हज़ार, 25-25, 60-60 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है ना, ये कर रहे क्या? लाल ढांग में भी गौशाला है, सब जगह एक गौशाला खुली है। गौशालाओं के अंदर हमें आया तो ऐसी सुविधा मिला कि हम इन गौ माताओं को छोड़ दें। 15 दिन मांग रहा हूँ, 15 दिन हमें दीजिए। और मेरे जितने युवा भाई हैं 15 दिन के अंदर इन गौ माता को वहाँ तक स्थान तक पहुँचा देंगे। लेकिन कोई नेता या अधिकारी हमें एक स्थान तो बताए। जय गौ माता। मेरे भाई विनीत कश्यप भाई, पूनम ठाकुर जी भाई, सारे वीडियो शेयर करियो भाई। यार बहुत हो गया बिल्कुल, अब हद से ज़्यादा ऊपर, क्योंकि 6 महीने में 100 से ज़्यादा गायें मर चुकी हैं। सारे भाई वीडियो शेयर करते चलिए भाई। आज जो शुरू में देख रहा है या अभी देख रहा है, सारे वीडियो शेयर करियो भाई। ये भाई वो गायें जो 4 दिन से अपने किस्मत पर रो रही है, एक तरीके से मान लियो इसे गौशाला में रखा गया था, गौशाला वाले ने इसे बाहर निकाल दे क्योंकि ये दूध नहीं दे रही, और अभी तक के ले जाने को कोई हम भी नहीं भर रहा इसे। सारे भाइयों को जय श्री राम। और जो भाई जुड़ना चाहता हो कमेंट में अपना नंबर जरूर दे, जो भाई हमारी सहायता करता है अपना कमेंट में नंबर दे दियो भाई हम, और भाई मिलने का प्रयास करो। और गौ माता के लिए अगर जिस भाई से जो भी होता हो वो हमारी सपोर्ट करे भाई। सारे भाइयों से विनती है, जितनी भी हो सकता है इतना कीजिए।